भी किसी देश के डेवलपमेंट का बात आता है तो इंडिया के लोगों का खास तरह से अगर मेंटालिटी देखा जाए तो ये होता है जो कि बहुत एक भ्रम वाला मेंटालिटी है कि कोई एक लीडर आएगा, ऑनेस्ट लीडर, ईमानदार लीडर, और वो कंट्री को चेंज कर देगा, कंट्री को डेवलप करा देगा, जो कि बहुत बड़ा भ्रम है यार। यार हमें ये बात समझना पड़ेगा कि कोई भी देश अगर डेवलप होता है तो वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स के कारण होता है। देखो दो ही बात है, एक नेचुरल रिसोर्स और एक ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन यार नेचुरल रिसोर्स तो जो है वो तो लिमिटेड है। ह्यूमन रिसोर्स अपने आप को, यानी कि खास तौर से अगर देखा जाए, सबसे बड़ा रोल किसी कंट्री को डेवलप कराने में है तो वहाँ के स्टूडेंट का है। अगर स्टूडेंट खुद पर वर्क करे, एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स बने अपने कंट्री के लिए, तो कहीं ना कहीं यार वो अपने कंट्री को डेवलप कराने में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हर एक स्टूडेंट दे सकता है एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स बन के। ये हमारे देश के कुछ सबसे बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स है जिनके कारण आज पूरा का पूरा कंट्री चेंज हो रहा है यार, पूरा का पूरा आज कंट्री चेंज हो रहा है। बात करेंगे ये इन भगवान तुल्य इंसानों के बारे में, भगवान जैसे इंसानों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन यार हम लोगों को स्टूडेंट को समझना पड़ेगा। देखो यार टीचर का भी बहुत बड़ा रोल है, बट सबसे ज़्यादा किसी का रोल है यार तो वो स्टूडेंट का है। इन महान हस्तियों के कारण, इन महान रिस्पेक्टेबल हस्तियों के कारण यार आज अपने देश के बच्चे नौकरी के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। आज अपने देश के बच्चे केवल इंजीनियर बनने के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। आज अपने देश के बच्चे केवल डॉक्टर बनने के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं मेरे भाई। आज जो है ना, आज अपने देश के लोग, अपने देश के बच्चे अगर इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो दुनिया के सबसे बेस्ट इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अगर उनको उनका ड्रीम है IIT क्रैक करने का तो IIT क्रैक नहीं, IIT टॉप करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। और गांव-गांव का बच्चा भी सीख रहा है और पढ़ रहा है। जिसके पास फाइनेंशियल देखा जाए उतना रिसोर्स नहीं है, वो लोग भी यार बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कौन नहीं जानता इन लोगों के बारे में? ये लोग अगर यार नहीं होते तो शायद वो गाँव का जो बच्चा जो यार कुछ करना चाहता था देश के लिए, अपने आप को एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स बनाना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा के कमी से, रिसोर्सेज की कमी से वो कर नहीं पा रहा था। ये कुछ महान लोग हैं जो ये अवेलेबल करा पाए कि वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं यार, वो बच्चे भी जिनके पास कुछ भी नहीं है। आज के डेट में यार IIT का भी तैयारी बिल्कुल, या तो यार बोल लो कि बिल्कुल फ्री में, या तो एकदम मिनिमम कॉस्ट पर, ये दो महान हस्तियों के कारण यार, अलक पांडे सर और ये अमन भैया, अमन धत्रवाल सर, लेकिन इनका ये बोलते रहते हैं कि हमें भैया बोलो। अमन भैया जो हैं सारे बच्चों से बोलते रहते हैं कि हमें सर ना बोल के भैया बोलो। ये जो अमन भैया हैं और हमारे अलक पांडे सर जो हैं अपने कंट्री के, ये दोनों टीचर, इनसे तो यार चाइना वाला भी पढ़ता होगा, ये तीनों टीचर से तो यार चाइना वाला भी पढ़ता होगा खान सर से। कौन नहीं जानता इनको, है ना? खान सर का भी वही बात है यार, बिल्कुल या तो फ्री में, या तो खान सर से तो यार पापा लोग भी पढ़ते हैं, गार्जियन लोग भी आज जानने लगे हैं कि एरोप्लेन में क्या होता है, फाइटर प्लेन में क्या होता है, वो सब खान सर का ही तो देन है यार। इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हमारे खान सर अपने देश के, है ना, बिल्कुल मिनिमम फी में। यार तुम सोच सकते हो कि 3000-4000 जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे, 2-2 लाख रुपया लग जाता था IIT की तैयारी करने में, और वो तो केवल फी लगता था, रहने वगैरह में, बैचलर लाइफ में बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाता था। और उस समय यार किसी गरीब घर के बच्चे इतना सोच ही नहीं पाता था, और बेचारे के पास टैलेंट होता था, ड्रीम भी होता था, शौक भी होता था यार, जज्बा भी होता था, लेकिन वो लोग कर नहीं पाते थे, और इसीलिए अपना देश कहीं ना कहीं वही सरकारी नौकरी वाले मेंटालिटी से गुजर रहा था। लेकिन यार जब से ये खास तौर से बोला जाए यार, जियो आया, यूट्यूब आया, बहुत सारे टीचर निकले अपने देश से, ये लोग भी तो यार कहीं ना कहीं टीचर का ही तो रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे संदीप सर, सोनू शर्मा सर, है ना, विवेक बिंद्रा सर, यार जब भी कोई बच्चा गांव का या शहर का या कहीं का भी अगर अपने होप को लूज़ करता है यार, कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट फील करता है पढ़ाई में, कहीं भी कभी भी पढ़ाई में अगर प्रेशर आता है यार, कभी यार इनका वीडियो देख लो यार, खून खौलने लगता है यार, खून खौलने लगता है यार। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि चाइना वाले कहीं ना कहीं डर गए हैं। चाइना वाले को हमारे लीडर से डर नहीं है यार, क्योंकि उनको मालूम है यार कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो बना करके गया है ब्रिटेन जो है यार, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब वाले मेंटेलिटी में छोड़ कर गया है। और सारे बच्चे से पूछो, पहले, अब तो नहीं, अब तो यार, अब तो हमारे देश के स्टूडेंट भी इन लोगों के हेल्प से, इनके जैसे और भी यार महान महान लोग हैं, सबको एक स्लाइड में ऐड करना पॉसिबल नहीं था। सद्गुरु के बारे में बात किया जाए, जो
साइंस को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं यार, है ना। बीके शिवानी केमिस्ट्री में जो है वो, ब्रह्म कुमारी शिवानी जो है केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट जो है, वो भी काफ़ी सारा बात हम लोगों को सिखाती रहती हैं। और बिल्कुल ये सब हम लोग फ्री में यार सीखते हैं, फ्री में हम लोगों को इतने अच्छे अच्छे गुरु मिले हुए हैं यार। अभी के डेट में यार अगर कोई बच्चा जितना आगे जाना चाहता है यार, वो बिल्कुल फ्री में जा सकता है। इवन तुम सपोज कर लो यार, इनका इन लोगों का कोर्स यार, IIT का कोर्स 4000 में अवेलेबल है इन लोगों के ऐप पर। 4000 में इन लोगों का IIT का नीट का कोर्स यार अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे के पास 4000 भी नहीं है, 4000 भी नहीं यार, तो यूट्यूब पर भी बहुत सारा कंटेंट जिससे IIT और नीट बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है यार, ये लोग अवेलेबल बिल्कुल फ्री में करवाए हुए हैं। यही रीज़न है यार, पाकिस्तान तो कब का डरा हुआ है, चाइना भी अब धीरे धीरे अपने देश से डरने लगा है, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट जो है वो पावरफुल डे बाई डे बनते जाते हैं। तो यार खूब मेहनत करना है, और अपने लिए तो यार सब कुछ पढ़ता है यार, देश के लिए पढ़ना है। कभी देश के लिए यार तुम पढ़ के देखो, उसके बाद देखो अंदर से तुमको फील होगा यार कहाँ गया वो नींद, वो नींद जो आ रहा था वो कहाँ गया। कभी कंट्री के लिए पढ़ाई करके देखो, कभी एक बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए, अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए एक बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स बनने का अगर कोशिश करके अगर पढ़ाई करोगे यार, तो एनर्जी का लगेगा तुम्हारे अंदर यार भंडार है यार। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।